वेलकम बैक। आपने पार्ट वन वीडियो देखा होगा। पार्ट वन वीडियो के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं पार्ट टू का पार्ट। यहाँ मैं बात करूँ बेटा कॉम्प्रिहेंशन का, एक बेसिक काम करें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा कैसे जाए। तो आपने सीखा होगा कि सबसे पहले आई की बात करें, इन्फॉर्मेशन लें, एलिमिनेट करें और फिर इन्फ्रेंस करें। इसके लिए करना क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के लिए इस तरह का एक पैसेज दिया होगा जिसमें हम लोग काम करेंगे, राइट। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के लिए इन्फॉर्मेशन, एलिमिनेशन और फिर इन्फ्रेंस, यहाँ पे करने के लिए आखिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आप फिल करो कि आप में कमी कहाँ आता है। आप ज़्यादा ध्यान दो कि इस कॉम्प्रिहेंशन से 30 से 35 नंबर क्वेश्चन आपके एसएससी सीपीओ में पूछे जाते हैं और यूपीएससी में लगभग 60 मार्क्स से पूछे जाते हैं। तो इतने मार्क्स करने के लिए कैसे आप इसको कंप्लीट करोगे उस पर बात करते हैं। सबसे पहला चीज ध्यान दो, जो आपके पास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रीडिंग हैबिट। क्या होना चाहिए, रीडिंग हैबिट। जब तक आपको पढ़ने की आदत नहीं है, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन करना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए रीडिंग हैबिट। कैसे रीडिंग हैबिट, तो होना चाहिए फास्ट, फास्ट रीडिंग हैबिट। क्या होना चाहिए, रीडिंग हैबिट फास्ट, यानी आप तेज पढ़ो, यानी फास्ट रीडिंग हैबिट, यानी आपका जो हैबिट हो रीडिंग हैबिट वो फास्ट होना चाहिए, तब आप बेहतर समझ पाओगे। यानी रीडिंग हैबिट कैसा हो, फास्ट, यानी तेजी के साथ। एक मिनट में कम से कम तो आप 150 से 200 वर्ड्स पढ़ पाते हो, तब आपका लेवल स्पीड फास्ट है। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई 2 घंटे का समय है और 200 क्वेश्चन है। आप कल्पना करो बच्चे कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने के लिए और एक पैसेज कम से कम 200 वर्ड्स का होता है। अब सोचो कि अगर तुम एक मिनट में एक पैसेज नहीं पढ़ पाते हो तो 200 क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे। इसलिए आपकी रीडिंग हैबिट फास्ट होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि सर क्या पढ़ें, रीडिंग हैबिट तो पढ़ें क्या। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हिंदू पढ़ो, जो तुमको कहेंगे हिंदू पढ़ो वो खुद नहीं पढ़ते हिंदू, इसलिए हिंदू बिंदु नहीं पढ़ना आपको। क्यों नहीं पढ़ना सर, क्योंकि कुछ बातें, इंडिया का सत्य क्या है, किसी ने एक बात कह दी कि फलाने मोहल्ले में आग लग गया, ये बात पूरा गांव जान गया, लेकिन मोहल्ले में आग नहीं लगी थी, मोहल्ले में बारिश हुई थी, लेकिन बात फैल गई मोहल्ले में आग लगी थी। यानी जानकारी लेना कोई नहीं चाहता, बट एक एक कान से सुना उसको पूरी दुनिया में फैलाना, यही भारतीयों का नेचर है। तो सबसे पहला काम, किसी ने कह दिया महापुरुष हिंदू पढ़ो, तो सर बच्चे हिंदू 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 पढ़ो, हिंदू सबसे बकवास पर है अंग्रेजी सीखने के लिए। हिंदू अगर सीख सकते हो तो जीएस सीख सकते हो, अगर यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आप हिंदू पढ़ सकते हो, कोई डाउट नहीं है, जीएस के लिए बेहतर पेपर है। लेकिन आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो वो अंग्रेजी का पेपर नहीं है, वो पेपर जीएस सिखाने वाला है, उसमें आपको ग्रामेटिकल नहीं समझ पाओगे, वो थोड़ा टफ पेपर मिलेगा। अगर आप चाहते हो अंग्रेजी सीखना तो आप वह चीज पढ़ो जो कॉम्प्रिहेंशन में काम आए। हिंदू से कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता, जो कहता है वो गलत बोलता है, उसका दिमाग फिरा हुआ है। तो सबसे पहला काम करो, रीडिंग हैबिट, फास्ट रीडिंग हैबिट। कॉम्प्रिहेंशन सीखना चाहते हो तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए एनसीईआरटी का। आपके पास ज्ञान हो एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी पढ़ो, आपके पास सही ज्ञान मिलेगा। क्यों, क्योंकि टॉपिक पूछता है हिस्ट्री से, टॉपिक पूछता है ज्योग्राफी से, टॉपिक पूछता है इकोनॉमी से। आप जाओ तो आप कॉम्प्रिहेंशन पलट के देख लो कि सर सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं कितना परसेंट सत्य है, इसका अंदाजा तुम्हें कहां मिलेगा, क्वेश्चन बना करके। मैं नहीं कह रहा कि हिंदू नहीं पढ़ना चाहिए, हिंदू पढ़ो, लेकिन असल में अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तब, ये नहीं कि आप तैयारी करो अंग्रेजी पढ़ने के लिए आप हिंदू पढ़ दो, भाई अंग्रेजी से उसको हिंदू को क्या मतलब है। तो आपको यहां पे चाहिए कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, इससे कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होगा। आप योजना पढ़िए, आप कुरुक्षेत्रा पढ़िए, आप टेल मी वाय पढ़िए, टेल मी वाय पढ़िए, ये 3-4 तरह के साथ साथ अगर हिंदू बिंदु रखा हुआ है तो हिंदू भी पढ़ लीजिए, कोई सुनी मना नहीं कर रहा मैं, कोई भी चीज है। तो कहने का सेंस है कि 3-4 तरह के चीज किताब आपके टेबल डेस्क पे होना चाहिए, ये नहीं कि 10 रुपया का खरीदा रखा पड़ा हुआ है। 3-4 किताब आपके पास रहेगा तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई पलट करके पढ़ोगे आप, इसलिए आपके टेबल पे 3-4 तरह के बुक्स होने चाहिए। सब लिख पा रहे हो ना,
तो ये सारे बुक्स आपके टेबल पे पड़े होने चाहिए। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट, गेट रीड ऑफ रिग्रेशन, गेट रीड ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन का मतलब गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना, छुटकारा पाइए किससे भाई, रिग्रेशन से, गेट रीड ऑफ रिग्रेशन, यानी किसी भी कंटेक्स्ट को बार बार मत पढ़िए, यू गो द सेम कंटेक्स्ट अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन, यानी रिग्रेशन से बचने का प्रयास करिए। कैसे, जैसे होता क्यों है, सपोज दैट यू रीड द पैसेज फ्रॉम हेयर एंड गो ऑन, कंटिन्यू किया एंड देन यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहां से यहां तक पढ़ा, फिर दिमाग फिरा, फिर यहीं शुरू हो गए, फिर पढ़ा, फिर यहीं शुरू हो गए, ये आप सब बच्चे करते होंगे, क्या हुआ, कुछ पढ़ा दो लाइन, फिर शुरू हो गए, अब ठीक से पढ़ता हूं, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज लैक ऑफ वोकैबुलरी। आपने जब पढ़ना शुरू किया था पहला लाइन, देन यू आर नॉट एबल टू रिकॉल द पर्टिकुलर वोकैब, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वोकैबुलरी, आप वोकैब का मीनिंग निकाल नहीं पा रहे थे, देन यू फील रिग्रेशन, तब आपको लगा कि दोबारा पढ़ूंगा तो हो सकता है कि समझ में आ जाए, दोबारा पढ़ूंगा तो हो सकता है समझ में आ जाए, दैट्स वाई यू आर रीडिंग, यू आर डूइंग सच टाइप ऑफ एक्शन। तो क्या है, लैक ऑफ वोकैबुलरी, सो दैट वी हैव टू इनहांस आवर वोकैबुलरी, इंक्रीज आवर वोकैबुलरी डे टू डे, फ्रॉम वेयर सर, वाइल रीडिंग योर पैसेज, वाइल रीडिंग योर योजना कुरुक्षेत्र एनसीईआरटी, इन दैट केस यू रीड वन पेज, एक पेज पढ़ो, अंडरलाइन द लाइन, अंडरलाइन द वोकैबुलरी एंड सर्च आउट द डिक्शनरी, और उसके मीनिंग को ऊपर लिख दो, और फिर उसको क्या करो, गेट बाय हेड कर लो, क्लियर। सेकंड थिंग इज दैट लैक ऑफ कंसंट्रेशन का भाव होता है। कंसंट्रेशन का भाव क्यों होता है भाई, कंसंट्रेशन का भाव इसलिए होता है, जैसे मान लो तुम्हारा सब्जेक्ट हिंदी, बचपन से हिंदी पढ़ रहे हो, अब अंग्रेजी पढ़ने को दिया जाए, अंग्रेजी का बुक दिया जाए, तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि माइंड कहता हिंदी, अंग्रेजी ने सुना ना, पढ़ा ना, देखा। जैसे अब व्यवहारिक ज्ञान सुन लो ना, घर पे तुम्हारा रेडियो होगा, टीवी होगा, रेडियो में गाना में अब 9:45 अंग्रेजी में न्यूज आता है, अब न्यूज दिया अंग्रेजी में, तुम्हारा माइंड तुरंत कहेगा ये अंग्रेजी में न्यूज है, देखो तो कहीं मेलोडियस सॉन्ग आ रहा है, कहीं से गाना बढ़िया आ रहा है, तो चैनल अपने आप घूमना, हाथ ऑटोमेटिक हाथ घूमना शुरू हो जाएगा, अगले पे क्या दे रहा है, अगले पे क्या, और जहां मधुर सॉन्ग आएगा तुरंत कान एडजस्ट कर लेगा, यही सुन, न्यूज अंग्रेजी में था उसको आप सुन नहीं पाओगे, और तुरंत का तुरंत किस पे चले जाओगे आप, हिंदी पे, यानी गाना पे चले जाओगे। यह एक साइकोलॉजी है, एक मनुष्य का नेचर है कि मनुष्य वही करना चाहता है वही हो जाता है, क्लियर। तो हम लोग क्या कहे, लैक ऑफ वोकैबुलरी, एक दिन में काम नहीं हुआ कि आज का कल वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगा, डे बाय डे ग्रेजुअली इंक्रीज योर वोकैबुलरी। देन लैक ऑफ कंसंट्रेशन क्यों भंग होता है, सपोज दैट तुम नीचे उतरे, किसने 2-3 झाप खींच दिया, कैसे बाता बाती हो गया, तुम घर पहुंचे, अब निकाले कि सर ने कहा था चलो झगड़ा हुआ हुआ, तुम घर निकाले कॉम्प्रिहेंशन, जैसे तुमने पढ़ा कॉम्प्रिहेंशन झाप याद आ गया, अब तुम मन में बनाया लगा प्लान, कल मिलता है तो उसको कूट देता हूं, तुम प्लान बनाने लगे, गया कॉम्प्रिहेंशन काम से, खोए रह गए, यार पढ़ना था कल पूछेंगे सर, फिर पढ़ाई निकाले, फिर झाप, कोई और टेंशन, मतलब कि वाइल रीडिंग वाइल डूइंग योर गुड वर्क एट दैट टाइम एवरी नेगेटिव कम्स योर माइंड, यानी जब भी तुम पढ़ाई शुरू करोगे नेगेटिव पॉइंट्स दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, तुम पढ़ नहीं पाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। सो दैट डोंट ट्राई टू क्वरल विथ अदर्स, कभी किसी से लड़ो मत, झगड़ो मत, टेंशन मत करो, हमेशा खुश मिजाज में रहो, हमेशा अच्छे काम करो, हाथ जोड़ के निकल जाओ, ज्यादा अच्छा है, लड़ने से ज्यादा अच्छा क्या, हाथ जोड़ के निकल जाओ, कम से कम डिस्टर्ब तो नहीं होगे, माइंड क्लियर करो। अब यहां क्या करा, लैक ऑफ वोकैबुलरी, वोकैब का तुम्हारे पास अभाव होगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन बनाने के लिए पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि पूजा करो, मेडिटेशन करो, कंसंट्रेशन होगा, जब आंख बंद करोगे तो उतना ही भटक भटकेगा माइंड, आंख खुला है तो कम से कम देख रहे हो, आंख बंद किया तो जो नहीं आना चाहिए वो भी आ जाता है, तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चे, वो समझो, तीसरा पॉइंट क्या है, अनफैमिलियर, ये दोनों चीज होता क्या है, अनफैमिलियर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अनफैमिलियर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, भाई सब्जेक्ट मैटर से आप अनजान हैं,
अनफैमिलियर हैं, किससे अनजान हैं, सब्जेक्ट मैटर से। एक क्या होता है सर, जैसे मान लो बाबू एक कॉम्प्रिहेंशन दिया है, मान लो ये पैसेज, तुम हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, ये पैसेज दिया हुएनसांग, लिखा कहीं वर्ड तुम पढ़ रहे थे, तुमको एक वर्ड मिल गया हुएनसांग, क्या मिल गया हुएनसांग। अब जो लड़का हिस्ट्री वाला लड़का है उसके दिमाग में पूरा हुएनसांग का इतिहास आ गया, तुरंत दिमाग में आंख बंद किया, वही हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, सातवीं शताब्दी में आया था, वो मगध में गया था, यहाँ गया था, वहाँ गया था, नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी किया था, बहुत सा दिमाग में आ गया, वो पाली सीखा था, संस्कृत सीखा था, दिमाग में आया ना बात जी। अब इतनी बार दिमाग में आ गया हर्षवर्धन कहते ही कि सातवीं शताब्दी में आया था, चाइना से आया था, डेजर्ट होते हुए आया था, अब इतना दिमाग आइडिया में आ गया। अब वो क्या है, एक वर्ड पढ़ा, यानी कि एक वर्ड पढ़ा और पूरा पैसेज बिना पढ़े उसके दिमाग में हुलिया चला गया कि भाई कॉम्प्रिहेंशन दिया है तो उसी की बातचीत ना करेगा, कब आया, कब गया, कब क्या किया। अब एक बात समझ में आ गया, यानी आपका अनफैमिलियर था तो फैमिलियर हो गया, सो दैट आप सबसे पहले फैमिलियर होने का प्रयास करो। तो भाई फैमिलियर तुम हो कैसे, तो फैमिलियर हो गए तुम रीडिंग द लॉट्स ऑफ बुक्स, सो यू शुड रीड लॉट्स ऑफ बुक्स लाइक एनसीईआरटी योजना, कुरुक्षेत्रा, टेल मी व्हाई एंड एनी अदर लॉट्स ऑफ बुक्स, जितने तरह के बुक्स पढ़ सकते हो यू शुड रीड। ये नहीं कि एक किताब पढ़ा काम चल गया, एक किताब खरीद लिया काम चल गया, क्योंकि बेटा पढ़ना पड़ेगा, देर इज नो ऑप्शन, कोई विकल्प तुम्हारे पास नहीं है। तो हमने क्या कहा, लैक ऑफ वोकैबुलरी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड अनफैमिलियर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इन सबसे आप परिचित हो जाइए, कॉम्प्रिहेंशन आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट चलने का प्रयास करते हैं, इसके बाद मैं बात करूं आपके सामने क्या है, दूसरा पॉइंट लिखो, क्वेश्चन योर सेल्फ वाइल रीडिंग द पैसेज, क्वेश्चन योर सेल्फ वाइल रीडिंग द पैसेज। यानी आप क्या करो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, कब पूछें क्वेश्चन सर, वाइल रीडिंग द पैसेज, जब तुम पैसेज पढ़ रहे हो ना तो पूछो, क्वेश्चन पूछो, क्या पूछें सर, वाई वी रीड द पैसेज, इस पैसेज को पढ़ क्यों रहा हूं मैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये क्वेश्चन था ना, इसी का आंसर ढूंढ रहा हूं, और जहां पे ये वर्ड मिल गया उसको अंडरलाइन कर दिया है, तब तुम्हारा आंसर निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यानी पैसेज पहले नहीं पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है क्वेश्चन, फिर क्या पढ़ना है पैसेज, और क्वेश्चन में क्या लेना है, इन्फॉर्मेशन, इलिमिनेशन, तब जाके हमको पढ़ने का प्रयास करना है। जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है सबको, अगला पॉइंट लिखो, फॉलो द स्कीमिंग एंड स्कैनिंग मेथड। फॉलो करो, क्या फॉलो करें सर, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग मेथड, यानी फॉलो करो तुम स्कीमिंग एंड स्कैनिंग मेथड व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन, वाइल रीडिंग द क्वेश्चन, यानी फॉलो द स्कीमिंग एंड स्कैनिंग मेथड वाइल रीडिंग द क्वेश्चन। जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्या फॉलो करो, स्कीमिंग, स्कीमिंग का मतलब होता है छूते हुए निकल जाना। तो जब तुम पैसेज पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसके दरमियान क्या करो, पैसेज को छूते हुए निकल जाओ। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारा क्वेश्चन फैक्चुअल है, तुमसे पूछ दिया राजा का नाम क्या है, हुएनसांग कब आया था, हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था, अब जरा मुझे बताओ कि सारे क्वेश्चन फैक्चुअल है कि नहीं है, एक लाइन में इसका आंसर वर्क नहीं होगा, आपको लिखना तो है नहीं भाई, फटाफट क्वेश्चन पढ़ा, एक फटाफट इसको झांका, कहां कहां है, जहां जहां मिल गया मारता चला गया, आंसर साफ हो गया, पूरा पढ़ने की जरूरत क्या है, तुमको समझ में आ रहा हो तो भी सही, ना समझ में आ रहा हो तो भी सही, अब उतना तुम समझने बैठोगे तुमको जीवन में समझ कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, जैसे तुम लोगों को लक्षण होता है भाई मैं दे रहा हूं ट्रिक्स, और ट्रिक्स यहां पर मैं तुम्हें वह चीज बताऊं जो सैद्धांतिक बात है, तो कभी नहीं हो पाएगा, मैं टीचर हूं प्रैक्टिकल, मैं बात करता हूं प्रैक्टिकल जो मैं करता हूं,
अब यह नहीं कि मैं सिद्धांत बताऊं कि पूरा पैसेज को पढ़ते रहो जब तक ना समझ में आए चार बार, पता है ना समझ में कभी नहीं आएगा, छोड़ के बैठ जाओगे, फिर आ जाओगे कहां जाओगे, नाउन पे, प्रोनाउन पे, ग्रामर पे, प्रीपोजिशन पे, यही यही फायदेमंद है, क्योंकि रूल है वहां। तो रूल पढ़ना बच्चों को अच्छा लगता है कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर तो भरू सिंगुलर, यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर प्लुरल लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे लैंग्वेज है और लैंग्वेज को लैंग्वेज तरह पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पूरे मुखर्जी नगर में सिर्फ ग्रामर पढ़ाया जाता है, कॉम्प्रिहेंशन कहीं नहीं पढ़ाया जाता। वही मैं व्यवहारिक ज्ञान दे रहा हूं, व्यवहारिक बात करो, फॉलो द स्कीमिंग स्कैनिंग मेथड, वाई द क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें स्कीमिंग करो, छूते हुए निकल जाओ तब तुम्हारा बन जाएगा। फिर क्या कहा, स्कैनिंग मेथड। ये क्या है भाई, तुमने क्वेश्चन पढ़ा तुमको हवा नहीं लगा कि पूछ क्या रहा यार, ये पूछ रहा है कि ह्वेनसांग ने क्या क्या काम किया, ह्वेनसांग संस्कृत क्यों पढ़ा, ह्वेनसांग पाली क्यों पढ़ा, राजा राज क्यों करना शुरू किया। अभी तो बड़ा दिमाग बोला काम क्यों शुरू किया, इसलिए तो दिमाग चाहिए। तो स्कैनिंग मेथड, एक एक शब्द को पढ़ डालो, स्कैन कर लो दिमाग में, अगर स्कैन होता है तो ठीक, नहीं तो क्वेश्चन कूड़ाओ, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि पांच पैसेज दिया है और पांच में पांचों पैसेज बनाने के चक्कर में ना रहो, क्योंकि और भी आगे क्वेश्चन 200 नंबर का है। इसलिए जितना बनता है बनाओ, स्कैन करना बाद में जब टाइम बचे तब, बस में आया तो हर चीज को फॉलो करो। यहां तक बोलो बच्चे, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ो। अगला कॉन्सेप्ट लिखो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहला है मेन आइडिया क्वेश्चन, मेन आइडिया क्वेश्चन, यानी आपसे पूछेगा मेन आइडिया क्वेश्चन। मेन आइडिया क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा व्हाट इज द टाइटल, टाइटल ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज। अब टाइटल के स्थान पे वो वर्ड चेंज कर सकता है, मेन आइडिया मतलब मेन आइडिया से पूछेगा व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस पैसेज, भाई पैसेज का टाइटल क्या है, तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पैसेज, तो थीम लिख लो। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज, सेंट्रल आइडिया पूछ सकता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पैसेज, पर्पस पूछेगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पैसेज, समझ रहे हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पैसेज, व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द टाइटल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पैसेज, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो यहां से पूछेगा, अब प्रश्न उठता है कि सर इसका आंसर कैसे निकाला जाए, इसका आंसर कहां से निकालूं, तो लिखो आंसर, तुरंत लिखो आंसर, हिंदी में लिखो, लिखो इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर, इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर, इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर पैराग्राफ के अंतिम तीन चार लाइन से, पैराग्राफ के अंतिम तीन चार लाइन से, इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर पैराग्राफ के अंतिम तीन चार लाइन से निकाला जा सकता है, इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर पैराग्राफ के अंतिम तीन चार लाइन से निकाला जा सकता है, इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर पैराग्राफ के अंतिम तीन चार लाइन से निकाला जा सकता है, इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर पैराग्राफ के अंतिम तीन चार लाइन से निकाला जा सकता है। मतलब अगर टाइटल पूछ रहा है, थीम पूछ रहा है, तो पैराग्राफ के अंतिम चैनल पर आंसर निकल जाएगा तुम्हारा वहां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब यहां पूछा है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो ये बेसिकली होता है क्या है भाई, तो ये होता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है बेटा, ये होता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, यानी फैक्ट पे आधारित होता है, इसमें आपसे फैक्ट पूछेगा और ये बहुत आसान है। तो नीचे लिखो आंसर, इसका आंसर कैसे दोगे, तो लिखो इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर स्कीमिंग मेथड से देते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर स्कीमिंग मेथड से दिया जाता है,
इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर स्कीमिंग मेथड से दिया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर स्कीमिंग मेथड, मतलब क्या कहा, छूते हुए, मतलब एक बार पैसेज को छू लिया आंसर तुम्हारा निकल गया। भाई फैक्चुअल पूछा है कि राजा का नाम क्या था, वेनसांग कब आया था, वेनसांग क्यों गया था, तो जो भी पूछेगा फैक्चुअल पूछेगा, तो एक प्रकार पैसेज पढ़ा आंसर तुम्हारा निकल गया। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, इनडायरेक्ट या इंप्लाइड आइडिया क्वेश्चन, इनडायरेक्ट कहो चाहे इंप्लाइड आइडिया क्वेश्चन कहो, इंप्लाइड या इनडायरेक्ट आइडिया क्वेश्चन कहो, यानी इनडायरेक्ट है इंप्लाइड आइडिया क्वेश्चन है। ये क्या होता है सर, तो इंप्लाइड या इनडायरेक्ट जो होता है ये कहता है कि भाई इसका आंसर पैसेज में नहीं है, इसका आंसर पैसेज में नहीं है, तुमको निकालना पड़ेगा, तुमको ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि इसका आंसर है कहां। तो लिखो इसका आंसर फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट प्लस रीजनिंग के आधार पर दिया जाता है, इसका आंसर फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट प्लस रीजनिंग के आधार पर दिया जाता है, इसका आंसर फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट प्लस रीजनिंग के आधार पर दिया जाता है, इसका आंसर फैक्ट प्लस, इसका आंसर फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट प्लस रीजनिंग के आधार पर दिया जाता है, इसका आंसर फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट प्लस रीजनिंग के आधार पर दिया जाता है। बोलो समझ में आया तक। अब प्रश्न उठता है कि सर कैसे बनाए, क्या मामला हो इसका, तो इसका एक एग्जाम्पल यहीं पे देना बहुत जरूरी है, तो लिखिए जरा सा एक एग्जाम्पल लिखिए, सब लिखो यूट्यूब वाले सब लिखो, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे सब लिखो, प्रॉपर क्वेश्चन लिखो। आ पोलर बियर, आ पोलर बियर, एक मिनट एक मिनट, जो लिखवाया कार्ड फिर से लिखो, इन समर, इन समर, इन समर अ पोलर बियर मदर, इन समर अ पोलर बियर मदर इमर्जेस फ्रॉम इट्स, इन समर अ पोलर बियर मदर इमर्जेस फ्रॉम इट्स डेंस विथ थ्री मंथ्स ओल्ड कब्स, इन समर अ पोलर बियर मदर इमर्जेस फ्रॉम इट्स डेंस विथ थ्री मंथ्स ओल्ड कब्स, इन समर अ पोलर बियर, इन समर का मतलब समर के महीने में, पोलर बियर मदर, एक पोलर मतलब बर्फीली भालू, मदर इमर्जेज मतलब निकलती है फ्रॉम इट्स डेंस अपनी गुफा से विथ थ्री मंथ्स ओल्ड कब्स, तीन महीने के बच्चे के साथ, तो तीन महीने के बच्चों के साथ कब्स लिख दिया हूं, तीन महीने के बच्चों के साथ बाहर निकलती है पोलर बियर मदर। को दिक्कत बच्चे यहां तक नहीं। अब यहां पर हमने आंसर दिया, क्वेश्चन पूछा आपसे कि भाई आ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आ पोलर बियर मदर बर्थ, अ पोलर बियर मदर बर्थ, अ पोलर बियर मदर बर्थ जन्म देती है। अब ऑप्शन दिया हमने ए समर, ऑप्शन बी रेनी, ऑप्शन सी विंटर, ऑप्शन डी नन ऑटम। बोलना नहीं है सुनना है बस। अब देखो यहां पे क्वेश्चन दिया इन समर अ पोलर, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी में सेम पूछा है, इन थोड़ा बड़ा था वहां पांच क्वेश्चन था, अब सब याद थोड़ी रहेगा। इन समर अ पोलर बियर मदर इमर्जेज फ्रॉम इट्स डेंस विथ थ्री मंथ्स ओल्ड कब्स। अब क्वेश्चन पूछा कि अ पोलर बियर मदर बर्थ जन्म देती है, अब बताओ पूरे पैसेज में कहीं जन्म की बात हो रही है, कहीं भी इसका आंसर है इस पैसेज में नहीं है ना। अब हमने कहा फैक्ट कॉन्सेप्ट
रीजनिंग, फैक्ट कॉन्सेप्ट रीजनिंग। अब पहला फैक्ट मिला समर, पहला फैक्ट क्या मिला समर, क्योंकि समर में यहां पे देखो 3 months old कप्स, यानी समर के महीने में जो बियर थी, भालू थी, उस बच्चे का उम्र कितना था 3 महीना। इसका मतलब कि जन्म दिया होगा 3 महीना पहले, जन्म दिया होगा 3 महीना पहले। तो बाबू यहां पे समर तो आंसर होगा नहीं, वर्षा ऋतु होता नहीं, होता क्या विंटर, यानी समर से पहले क्या होता है विंटर, 3 months पहले। तो बोलो आंसर विंटर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ आंसर। तो हमने क्या किया, फैक्ट कॉन्सेप्ट तब रीजनिंग लगाया, दिमाग लगाया। अब बोलो एग्जामिनर तुमसे इतना चीज पूछना चाहता है, यानी कि दिमाग चेक किया कि नहीं किया, बस मेरे इसमें तुमको ऋतुओं का ज्ञान भी चेक कर लिया, किस बच्चे को ऋतुओं का ज्ञान है कि नहीं, ये भी चेक कर लिया कि अंग्रेजी का ज्ञान है कि नहीं, ये भी चेक कर लिया कि समझता है कि नहीं समझता, समझ लो। तो हर चीज चेक कर लिया, तब आपको आंसर दिया, तब आपको ऑप्शन दिया। हो सकता है कि एग्जाम में ऑप्शन चेंज हो, जो हमको दिमाग में था लिख दिया हमने, बस समझ लो। तो यहां तक समझ में आपको, तो इस तरह से भी आपको आंसर निकालने की जरूरत होगी, तब आप बेहतर समझ पाओगे, तब आप बेहतर कर पाओगे, और कॉम्प्रिहेंशन करना आपके लिए बिल्कुल लॉलीपॉप हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, खेलना शुरू कर दोगे कॉम्प्रिहेंशन के साथ अगर आपने काम किया। तो अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, ऑलवेज ऑलवेज एवरी, ऑलवेज एवरी ओनली ओनली नो नेवर मस्ट एमयूएसटी मस्ट ऑल ए डबल एल ऑल हैव टू से प्रायः ऑप्शन सही नहीं होते, से प्रायः ऑप्शन सही नहीं होते, से प्रायः ऑप्शन राइट नहीं होते। ब्रैकेट में कर दो 95%। अब हमने कहा कि अगर मान लो तुम आंसर बना रहे हो, तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पूछा और ऑप्शन ए में शुरुआत है ऑल से, ऑप्शन बी में शुरुआत है नो से, ऑप्शन सी में कुछ और से, तो आपको हमने कहा कि ऑल नो से प्रायः ऑप्शन सही नहीं होते, यानी आपने क्वेश्चन कुछ ही पढ़ा है, अगर ऑल वर्ड है नो वर्ड है तो 95% ये दोनों आंसर तुम्हारा नहीं होगा। तभी तो कहा इंफॉर्मेशन इलिमिनेशन एंड इन्फरेंस, ये पूरे पैसेज में चलता रहेगा अंटिल यू फिनिश द क्वेश्चंस। जब तुम क्वेश्चन फिनिश ना कर दो तब तक ये चलता रहेगा, यानी इंफॉर्मेशन इलिमिनेशन और इन्फरेंस, आपका क्वेश्चन चलता रहेगा, तब आप यू आर एबल टू सॉल्व एनी काइंड्स ऑफ पैसेज। अब मैं क्या करवाऊंगा, इस किताब से करवाऊंगा प्रैक्टिस। अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप अपना फोन नंबर व्हाट्सएप नंबर दे दो और अपना एड्रेस भेज दो, आपके एड्रेस पे किताब सेंड करवा दूंगा, डीएसएल के सारे बुक्स। जो बच्चे गया में इलाहाबाद के पढ़ रहे हैं सारे बुक्स मुझे चाहिए। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, थैंक यू।